नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि मसल ब्रेक करना या मसल टीयर करना क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि मैं देसी तरीके से बात करूँगा और यहाँ पे हम किसी भी इंजरी की बात नहीं कर रहे। कोई हमें चोट लग गई जिसमें हमारी मसल टूट गई, मसल फट गई या मांस फट गया जिसे कहते हैं, या कोई नस चढ़ गई जिसे कह देते हैं कई बार लोग, वैसी किसी चीज की बात नहीं कर रहे जिसमें हमें कोई तकलीफ पहुंच रही है, दर्द हो रहा है। यहाँ पे जो मसल ब्रेक करने की बात हो रही है वो हो रही है कि जैसे कोई जिम जाता है, वजन उठाता है या कसरत करता है, तो क्या मान लो मैं एक डंबल को ऐसे ऐसे उठा रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं डंबल ऐसे ऐसे उठा रहा हूँ ना, तो मेरी जो या ये जो मसल है बाइसेप जिसको कहते हैं, ये टूट रही है। अब ऐसा नहीं है कि मसल एक लकड़ी और इसको हमने यूं तोड़ दिया, ऐसा नहीं है। अब वो अंदर कैसे टूट रही है उसके बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये जो मसल टूट रही है इसे मसल ब्रेक होना कहते हैं। ऐसा बोला जाता है आम भाषा में कि अरे भाई एक्सरसाइज करने से मसल ब्रेक होती है, या फिर आज मैंने या आपने खुद नहीं देखा होगा कि आप जितनी ज़्यादा कसरत करने लग जाओगे, जैसे आपने 15 सेट कर लिए तो 16वें सेट में आपसे आप थक चुके हो ना, और थकने का मतलब यह है कि मसल थोड़ी टूट गई है तो वो उतना वजन नहीं उठा पा रही, आप ऐसे समझ लो। इसे जिम और की भाषा में, आम बॉडी बिल्डिंग की भाषा में कहा जाता है मसल ब्रेक होना। आमतौर पर लोग सोच लेते हैं कि अच्छा मैंने वजन उठाया मैं ताकतवर हो गया, ऐसा नहीं है। वजन उठाने के एकदम बाद में, जस्ट बाद में आप देखोगे तो आप एक तरीके से कमजोर हो क्योंकि आपने एक तरीके से अपनी मसल को तोड़ा है। ये मसल रिकवर होगी तब, ये तब रिकवर होने के बाद ही ताकतवर बनेगी। इसके बारे में मैं अभी अगले वीडियो में बात करूंगा। जिम में गए, वेट ट्रेनिंग करी हमने, मसल तोड़ी। मसल क्या सिर्फ वेट ट्रेनिंग से टूटती है? नहीं, आप पूरे दिन में जो काम करते हो उसमें मतलब एक तरीके से आपकी मसल टूटती है, लेकिन वो रिकवर हो जाती है और आपको पता ही नहीं चलता। जैसे आप चल रहे हो या आप अपने शरीर को कहीं पे भी ला रहे हो, कोई भी आप शरीर को हिला रहे हो, कोई भी मूवमेंट कर रहे हो, तो आपकी मसल ब्रेक होती है। इसे मसल टीयरिंग भी कहते हैं, मसल ब्रेकिंग या मसल टीयरिंग कहते हैं। कहने का सिर्फ इतना मतलब है, वो एक है ना मसल ब्रेक हो, जिम जाने से मसल ब्रेक होती है, सही बात है होती है, लेकिन वापस वो खाना खाने से रिकवर भी होती है और फिर वो रिकवर होकर के पहले जितनी ताकतवर भी बनती है। मैं सिर्फ यहाँ पे इस शब्द का मतलब बताना चाहता था कि मसल ब्रेक होना किसको कहते हैं, ताकि आगे कभी इस तरीके की बात करी जाए तो आपको समझने में दिक्कत ना। और अगर इस वीडियो को और अच्छे से समझना है तो इसके आगे आने वाले 2 और वीडियोस को ध्यान से देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और अगर मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए तो नोटिफिकेशन चालू कर देना।